सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरनाक साबित होने लगा। हिजाब के खिलाफ भारत में लगाई जाने वाली आग ने अब पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। इंतहा पसंद हिंदू न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे ममालिक में भी मुसलमानों की मजहबी आजादी को सर्व करते हुए इनसे पर्दे का हक छीन रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जो भारत की मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंदुत्व एजेंडे का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। बहरीन के इलाके अदलिया में एक भारतीय रेस्टोरेंट में बापर्दा खातून को दाखिले से मना करने पर बहरीनी हुकाम ने रेस्टोरेंट को ही बंद कर दिया। ड्यूटी मैनेजर एक भारतीय शहरी था जिसे वाकये के बाद मुअत्तल कर दिया गया। रेस्टोरेंट की इंतजामिया ने वाकये पर अफसोस का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर माफी का बयान भी जारी किया है। ये वाकया इस वक्त मंजरे आम पर आया जब रेस्टोरेंट के अमले की तरफ से एक बापर्दा खातून को रोकने की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुई। बहरीन टूरिज्म एंड एग्जीबिशन अथॉरिटी ने वाकये की तहकीकात शुरू की है और सियाहत से मुतालिक तमाम इदारों से कहा है कि वो जवाबित पर अमल करें और ऐसी किसी भी पॉलिसी को नाफिज करने से गुरेज करें जिसे मुमलिकत के कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है। Hello, first of all, I'm very sad about the news and the rumors. Actually, the man wasn't Indian. He was a British guy. And trust me, I can recognize the Indian guys. So please stop doing that. Please, please stop doing that. I'm not even happy about what I saw. So I sat with the owner, the Indian owner. He was very kind with us and he apologized to us about what happened. So we closed the case and this is it and this is the truth. Don't even listen to the news. You have to know the truth story. You can even see that I'm not wearing hijab, but my friend, she was wearing the hijab. Because of that, I make a video. So yes, thank you.